नमस्कार, हमारी खास पेशकश निकाय किरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तर प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, जहां निकाय चुनाव को लेकर आयोग ने पूरी तैयारियां भी तेज कर दी हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी जोर शोर से निकाय चुनाव के रण की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में न्यूज ऑन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है, जहां गली दर गली के साथ हर वार्डों में न्यूज ऑन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर पड़ताल कर रही है। इस दौरान न्यूज इंडिया की टीम बुलंदशहर पहुंची और निकाय चुनाव के साथ ही पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों के बारे में पड़ताल की, तो वहां जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। तो आज की इस खास पेशकश में बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर बुलंदशहर में ग्राउंड जीरो पर कितना विकास कराया गया है, कितनी सड़कें वहां पर बनी हैं, कितनी नालियां वहां पर साफ हुई हैं, निगम की तरफ से जो जिम्मेदारियां बनती हैं उन जिम्मेदारियों को कितना पूरा किया गया है। तो सड़कों को लेकर कोई भी खास काम बुलंदशहर के अंदर नहीं हुआ है। गांव गांव की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जो छोटे छोटे कस्बे वहां पर है, नाली ना होने से जगह जगह पानी अक्सर वहां पर भर जाता है। पानी भरने की समस्या से वहां के लोगों को हर रोज जूझना पड़ रहा है। वार्ड दर वार्ड विकास के क्या हालात हैं वो आपको दिखाएंगे हमारे आज की इस खास पेशकश में। निकाय के रण में हम हर बार, हमारी जो टीम है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरी है और अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कितनी वहां पर काम हुआ है, कितना विकास वहां पर हुआ है, सड़कें कितनी बनी हुई हैं, नालियां कितनी साफ हैं, फॉगिंग मशीनें वहां पर कितनी चलाई जा रही, कितनी नहीं चलाई जा रही। इन तमाम चीजों को लेकर हम हर रोज आपके सामने रिपोर्ट को पेश करते हैं, क्योंकि उसके बाद में जिम्मेदारी आपकी है। जो नगर निकाय के चुनाव आएंगे उसमें आपको अपना कीमती मत का इस्तेमाल करना है और वो मत किसके पक्ष में जाएगा ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले जमीनी स्तर पर हर जगह पहुंच करके न्यूज ऑन इंडिया की टीम बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है और हर जगह की जो रिपोर्ट है, हर जगह की तस्वीर आपके सामने घर बैठे ही पेश कर रही है। तो आज बारी है बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में अगर देखा जाए तो नाली ना होने की वजह से जगह जगह पानी अक्सर भर जाता है और खास तौर पर देखा जाए तो बरसाती मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत यहां के लोगों को होती है। निकाय चुनाव का मैदान सज चुका है, लेकिन अब ऐसे में विकास के हालात क्या है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अब बुलंदशहर में वोटरों का समीकरण क्या कुछ कहता है वो भी आपको बताएंगे और ये वोटर्स निकाय चुनाव को कैसे दिलचस्प बना सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो बुलंदशहर में वोटरों का क्या कुछ समीकरण है वो चलिए आपको बताते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं 2022 का तो अभी होने वाला है चुनाव, लेकिन उससे पहले 2017 में क्या कुछ नतीजे बुलंदशहर के नजर आए थे वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश इस वक्त हम करते हैं। देखिए, कुल 17 सीटें हैं बुलंदशहर निकाय चुनाव में और जिसमें से बीएसपी के खाते में 8 सीटें गई थी, बीजेपी के पास में 4 सीटें गई थी, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट गई और 11 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में गई थी। तो ये पूरा 2017 के जो चुनाव परिणाम थे वो हम आपको बता रहे हैं। कुल 17 सीटें हैं वहां पर, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के खाते में 8 सीटें गई थी और बीजेपी के खाते में 4 सीटें। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो निर्दलीय खड़े हुए थे उनके खाते में गई 11 सीटें 2017 के नतीजे हैं। और इन नतीजों के बाद में अब आज वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कितना विकास कार्य वहां पर हुआ है निकाय की तरफ से वो भी आपको दिखाएंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपके घर बैठे ही तस्वीरें पहुंचाएंगे बुलंदशहर की। तो 2017 के ये चुनाव परिणाम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बुलंदशहर के अंदर कुल 17 सीटें थी और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय नाम गुलावटी में पुराने वोटर्स की संख्या कितनी है, वोटर्स कितने बढ़े हैं और कुल वोटर्स कितने हैं वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुराने वोटर्स 20,906 हैं और खुर्जा में कितने पुराने वोटर्स हैं, कितने वोटर्स बढ़े हैं और कुल वोटर्स अब कितने हो चुके हैं, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सियाना में कितने वोटर्स अभी हैं,
बुगरासी में कितने वोटर्स हैं, तो वोटरों का क्या कुछ समीकरण है इस वक्त बुलंदशहर में, ग्राफिक्स के जरिए वो समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। वहीं खानपुर में कितने वोटर्स हैं, इसके बाद नंबर आता है बीबीनगर में, बीबीनगर में कुल वोटर्स 8,508 है और शिकारपुर में 32,101 कुल वोटर हैं अभी इस वक्त। वहीं पहासू में 17,263 कुल वोटर्स की संख्या है जो इस बार वोट करते हुए नजर आएंगे, पहासू की संख्या हमने आपको बताई। छतारी की अगर बात करें तो 8,919 कुल वोटर्स की संख्या है छतारी में। तो बुलंदशहर में वोटर्स का समीकरण क्या कुछ कहता है, पुराने वोटर्स वहां पर कितने हैं, कितने और वोटर्स बढ़े हैं और कितने अब कुल वोटर्स हो गए हैं। डिवाई की अगर बात करें तो 34,000 से ज्यादा कुल वोटर्स हैं डिवाई के अंदर। तो बुलंदशहर में वोटरों का जो पूरा समीकरण है वो एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नरोरा की अगर बात करें तो 19,482 पुराने वोटर्स हैं जिसमें से 1400 से ज्यादा वोटर्स की संख्या बढ़ी और अब आज की डेट में कुल वोटर्स हो गए हैं 20,917। सिकंदराबाद की अगर बात करें तो 77,583 वोटर्स थे वहां पर जिनकी संख्या बढ़ गई है। ककोड़ में अगर बात करें तो 8,190 कुल वोटर्स हैं वहां पर। तो ये हम आपको लगातार हमने आपको संख्या बताई कि बुलंदशहर में आखिर कितने वोटर्स कहां कहां से, जो 17 सीटें हैं वहां पर कितने वोटर्स कहां पर थे, अब कितने बढ़ गए हैं और कुल वोटर्स की संख्या अब कितनी हो गई है। और चलिए अब आपको निकाय चुनाव से पहले बुलंदशहर ले चलते हैं जहां न्यूज ऑन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए मैदान में उतरी है और वार्ड दर वार्ड के साथ ही गली गली में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत की है, जहां उनके मुद्दे और शिकायतों को जाना। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर की सियाना नगर पालिका में है और चुनाव को रण के लेकर जनता से राय बुझने की 5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं चेयरमैन और सभासद के द्वारा, और इनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम अली अहमद है। अली भाई कहाँ से हैं? सियाना सर। किस वार्ड से बुलाऊं? ये तो पता ना कौन सा वार्ड है। तो वार्ड दोबारा, जो सभासद दोबारा, कितना विकास हुआ होगा 5 साल में? तो हमारा कोई वोट थोड़ी है यहाँ पे, हमारे तो मोहल्ले में वोट है, यहाँ को वोट नहीं है हमारे। नहीं, सियाना नगर पालिका के क्षेत्र में आपका वोट तो है। हाँ क्यों नहीं है। तो उस वार्ड में कितना विकास हुआ होगा चेयरमैन द्वारा और विकास वार्ड में? चेयरमैन तो फिर क्या ही विकास है यहाँ पे, लेकिन जो पिछला आएगा वो सही, अगले वाले को न रोते, पिछले वाले को रोना है। काम हुआ धरातल पे? नहीं ना हुआ, होता ही ना। क्या काम नहीं हुए? क्या काम हुआ, यहाँ पानी भर जाओ, यहाँ बरसात में पानी भर जाए भाई, यही मिठाई की दुकान है मेरी, मेरी दुकान के आगे पानी भर जाए, जल भराव हो जाए बहुत ज़्यादा। अभी आपने वार्ड मेंबर से या चेयरमैन से शिकायत करी पानी को लेकर? अब सबको, सब निकले इधर हो गए, मेरे मामला थोड़े है, सब निकले हैं। बहुत पानी की दुकान है, रात आपके पास आते हो? यहाँ गाड़ी जैसे बरसात में गाड़ी आ जा, गाड़ी भर, गाड़ी आ जाओ इधर को, तो यहाँ पानी भर जाए तो दुकानों में पानी भर जाए, सारी दुकानों में। अभी तो किसी से चेयरमैन साहब से तो बोला मैंने, मगर उन्होंने कि हाँ देख करवाएंगे, नाला खुदवाएंगे दूसरे को, अभी तक कुछ हुआ ही ना। नहीं हुआ। इनका साफ साफ कहना है कि चुनाव को लेकर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कमर। अच्छा कमल भाई, क्या काम करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा किस वार्ड से आते हैं आप? वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 9। तो क्या काम हुआ होगा नगर पालिका सियाना में? नगर पालिका सियाना में कुछ गलियां बनी हैं, कुछ रोड बने हैं, हाँ अभी तो कोई काम ऐसे नहीं हुए जो बहुत अच्छे हों। तो क्या जो चेयरमैन द्वारा, सभासद द्वारा जो आप लोगों को बताया गया होगा 5 साल पहले के चुनाव में कि ये लोग हमें ये काम करने हैं, और आपको बताया होगा हम इन इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव इनको तो मुद्दों का पता ही नहीं है, मुद्दे क्या होते हैं ये तो जानते ही नहीं लोग, इलेक्शन तो होते हैं लेकिन मुद्दों का पता नहीं होता। अब आने वाला समय जो है मुद्दों पर होना चाहिए, अभी तो इलेक्शन आने वाला है, अभी सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, जो भी इलेक्शन में आए, जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो किन्हीं मुद्दों को लेकर आए, बिना मुद्दों के कोई इलेक्शन नहीं होता। 5 साल में किन मुद्दों पर उन्होंने काम करा? गलियां बनी है, थोड़े बहुत रोड बनी है जो हमारे अंदर हैं, वैसे ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ, खास काम नहीं हुआ है। जिस जगह खड़े हैं ये मिष्ठान की दुकान है, कहते हैं पानी भर जाता है। हाँ यह पानी भर जाता है, तकरीबन जो बच्चा होगा तो डूब ही जाएगा। कहने के मतलब जब तक वोट दी, जब तक तो हमें दिखे, वोट देने के बाद हमें दिखे ही ना हूँ, आज तक पता ही नहीं है कौन। कोई जनप्रतिनिधि तो होगा उनका भाई साहब, दिखता ही ना कोई भी, ना दिखता। क्या विकास हुआ?
मेरी निगाह में तो कुछ नहीं हुआ, जो ऐसा पहले था ऐसे ही अब जो भी है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए विकास जो है चेयरमैन का व्यक्तिगत विकास हुआ है, समझे, बहुत प्रॉपर्टीज़ को ये ले लेना, और ये सब पॉइंटेड है, इवन मेरे पास लिस्ट भी है, समझे, मैं एक इस कस्बे का जिम्मेदार नागरिक हूँ और उसके बिहाव पे जब इलेक्शंस आएंगे, जो पीक पे इलेक्शंस होंगे उस वक्त मैं ये सब लिस्ट निकालूंगा, और उसके बाद जो चेयरमैन का व्यक्तिगत विकास हुआ उस व्यक्तिगत विकास को सबके सामने लाऊंगा मैं। 1% भी खड़े नहीं उतरे हैं। यानी कि फिर तो 5 साल की रूपरेखा भी अलग होगी। हाँ बिल्कुल, पूरी रूपरेखा अलग होगी। जो आप लोगों को बताया गया था कि 5 साल में हम ये विकास कराएंगे, उन विकास कार्यों पर हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 15 से आता हूँ। अच्छा, कितना कैसा वार्ड को चमकाया गया या वार्ड में काम हुआ ये नहीं हुआ, मतलब किसके चेयर नहीं, चेयरमैन माध्यम से नहीं हुआ? चेयरमैन माध्यम से कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक एक पाइपलाइन है वो भी पानी है उसमें। एक सभासद पे पहुँचे? सभासद पे पहुँचे अपने? हाँ, सभासद को इतला दी, विकास को लेकर बात हुई। हाँ, उसे कई बार इतला दी हमने, कई बार इतला दी तारीख जो सभासद इस टाइम, कई बार इतला दी, कुछ कार्यवाही कुछ भी नहीं हुआ। नगर पालिका के आस पास में काम भी करते होंगे, एक रेडी में गिनती आती है, तो नगर पालिका के चेयरमैन दोबारा जो कोरोना काल में जो आर्थिक सहायता दी गई थी 10,000 रुपये की, वो आपको मिली? कुछ भी नहीं, ना ही पैसा ना ही कोई, वैसे जैसा गरीबों में कुछ अपना होता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है जो हमारे आशीष मेहमर साहब हैं उन्होंने बहुत कुछ अपने वार्ड के लिए करा है। 5 साल में कितना विकास हुआ नगर पालिका साने का? किस वार्ड से आते हैं और क्या नाम है? देखो जी, नाम मेरा रविंद्र कुमार है, मैं साइकिल मैकेनिक हूँ और तुम्हारे वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ मैं। और तुम्हारे देखो जी, हमारे सियाने का विकास तो बहुत कम हुआ है, नगर पालिका तो घाटे में चल रही है बहुत ज़्यादा। घाटे का किस कारण घाटे में हुई? घाटे में किस कारण? क्या हमारा खरंजा है वो थोड़ा टूटा फूटा हो रहा है। नहीं, खरंजा नहीं बनेगा तो घाटा दिखाएंगे? हाँ तो घाटा तो हो ही रहा है। देखो जी, ना आपको कैसा मालूम है घाटा हो रहा है? हाँ तो हमारे विकास हो रहा है कुछ। सरकार तो बहुत पैसा भेज रही है, पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा, हमें पता नहीं। किस वार्ड से आते हैं? हम वार्ड 1 के हैं जी, मुशीरुलक नाम है, वार्ड 1 से हम आते हैं। कितना विकास हुआ वार्ड में? विकास तो सियाने का आपके सामने सब मौजूद है, विकास तो जो पहले था वही चला आ रहा है, बल्कि और डैमेज हो गया है यहाँ का विकास। तो आप कह रहे हैं विकास हुआ? हाँ विकास हुआ है, चेयरमैन का विकास हुआ है, उन्होंने वैशाली में फ्लैट खरीदे हैं, गलत टेंडर गलत हाथों में दे के, और एक फिक्सिंग रेट पर अपने प्राइस फिक्स करके उन्होंने टेंडर छोड़े हैं, अपने अकाउंट में पैसे मंगाए हैं, वैशाली में फ्लैट खरीदे और बहुत सारी तरक्की उन्होंने अपने की है, यहाँ के लोगों को सताया है, परेशान किया है। यानी कि कुल मिला के धरातल पे कोई काम नहीं हुआ? धरातल पे कोई नहीं, सिर्फ सलाली हुई है। फैसल नाम है। तो फैसल भाई क्या काम करते हैं? मैं फिलहाल तो कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो घर पर ही आया हूँ। किस वार्ड से आते हैं? मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। अच्छा, क्या काम हुआ होगा वार्ड नंबर 9? वार्ड के मुताबिक तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं होता है, यहाँ जो काम होता है केवल वो अपनी जान बचाने का काम होता है। आदमी चुनाव लड़ता है केवल अपनी जान बचाने के लिए, पीछे पता लगी कोई पुलिस लगी हुई है वो आके यहाँ चुनाव लड़ेगा, राजनीतिक बस अपनी जान बचाने अपनी के लिए। जान बचाने ऐसा की नहीं है कि राजनीति करोगे तुम सब कुछ कर लोगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई विकास के लिए कोई काम नहीं करता। हमने वोट दी जो इस टाइम पे मौजूदा चेयरमैन है, जब तक हमने वोट दी थी जब तक वार्ड दिखते थे, अब तो वो भी वार्ड नहीं दिखते। वार्ड मेंबर से मिले थे वो तुम कहते रहे करवाएंगे 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 और हुआ नहीं कभी। अब चुनाव आ रहा है जनवरी में हो जाए या दिसंबर में हो, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग अभी डेट नहीं आई है, आने के बाद में कैसा प्रत्याशी को चुनना पसंद करते हैं? देखो जी, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारे काम कर सके सही और हमारे काम आवे, ये चाहते हैं हम। तो हम अपनी शिकायत किससे करेंगे? वार्ड के मेंबर से? वार्ड के मेंबर दोबारा जो पीडी होते हैं, वार्ड के मेंबर से आपका कोई शिकायत हुई उसका संज्ञान नहीं लिया जाता? उस वार्ड का मेंबर कहेगा कि मैं आपका, जब हम भी नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग होगी मैं आपका प्रस्ताव रखूंगा। उन्होंने रखा या न रहे या नहीं रखा ये हमें कैसे पता चलेगा? वहाँ 4-5 समस्या मुख्य हैं। पहली समस्या तो वहाँ पानी भर जाता है, रास्ते बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं, जिनका उठना और नवीनीकरण होना बहुत ही अति आवश्यकता है। देखो विकास हुआ है, विकास मतलब ना के बराबर विकास हुआ है, मतलब कुछ जगह ही विकास हुआ है, और अगर पूरे कस्बे की बात की जाए तो कस्बे में मतलब कुछ चुनिंदा लोगों का ही विकास करा गया। दबंग लोग हैं उनके यहाँ पे काम कराया गया, पर्सनली उन्हीं के यहाँ काम कराया गया। किस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए आपको? कैंडिडेट बस ऐसे चाहते हैं हम कि हमारा क्या नाम है जी, कस्बे का हमारे नगर का विकास हो, ठीक है जी, जनता के सुख दुख में काम आए, बस ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद भाई, कितने वार्डों में विकास हुआ होगा, चेयरमैन दोबारा कितना विकास धरातल पर किया गया? नहीं सर, अपने क्षेत्र में तो इधर हुआ ही नहीं विकास, विकास तो चांदपुर चुंगी पे हुआ सर, चांदपुर चुंगी पे उधर रोड पे विकास हुआ, इधर नहीं हुआ कुछ, कुछ विकास नहीं हुआ।
सियाना में लगा कितना खरंजे बने होंगे, आरसीसी बनी होंगी जो पहले 5 साल में जो वादे किए गए थे? नहीं सर, हमारी ही कॉलोनी में, इधर सामने देख लीजिए, इधर कॉलोनी में एक रास्ता बना, वो आप मौके पे देखो, वो जो बिल्कुल ढहा पड़ा है, पहली बारिश में चारों तरफ को बिखर गया सर, कोई और कोई इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ हमारी साइड पर तो सर। 5 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, 5 साल में धरातल में 19 वार्ड बता रहे हैं, 19 वार्ड में क्या काम हुए? पिया जल की व्यवस्था हुई हो या नालों की व्यवस्था हुई हो या धरातल पर खरंजे लगे हों? कुछ नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है बिल्कुल भी, कोई खरंजा या नाली वगैरह या कुछ भी। जब बरसात होती है तो जगह जगह पानी भर जाता है सियाने के अंदर, आप चलिए आप देखिएगा, जगह जगह पानी भर जाता है और इतनी व्यवस्था ख़राब हो जाती है, बाई टाइम तो गाड़ियाँ निकलती हैं तो मकानों में पानी या दुकानों में पानी भर जाता है जो रोड पर। अभी अपने वार्ड मेंबर से या चेयरमैन से या जनप्रतिनिधि होने के नाते चेयरमैन से कोई नहीं सुनता है, ये है कि मतलब कहने का होता है कोई नहीं सुन पाता, भैया जिसको भी पास जाते हैं बस वही होता है, कोई नहीं सुन पाता है। बहुत अच्छा हुआ नाली खरंजे सब कुछ, इन मेंबर साहब ने बहुत गरीब लोगों की बहुत मदद करी है। विकास अच्छा विकास हुआ जी, जो हमारी जो ये मेंबर हैं राजकुमारी जी, काफ़ी मकान बने हैं और जो भी सुविधाएँ आई हैं सभी को दिलाई हैं। यूपी के बुले और हमारे संवाददाता अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बुलंदशहर से सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अशोक देखिए, लगातार 5 साल का वक्त इस वक्त दिया गया है जनता की तरफ से, लेकिन इन 5 सालों में कुछ खास काम कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर नहीं हुआ है। कुल 17 वार्ड हैं और 17 वार्डों में कितना काम हुआ है ये भी हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया। आप खुद वहां पर मौजूद हैं और आपके साथ भी इस वक्त तमाम लोग भी मौजूद हैं, एक बार हम चाहेंगे उनसे बातचीत कीजिए और जो 17 वार्ड हैं उनमें क्या कोई काम किया गया है इन 5 सालों में, अगर एक कंपटीशन के आधार पर देखा गया है जाए तो 5 सालों में क्या काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से जो जिम्मेदारियां होती हैं निकाय की, सड़कें बनवाना, सड़कों को दुरुस्त करना, पानी की व्यवस्था करना, जगह पर पानी ना भरे और साथ ही फॉगिंग मशीन, इन तमाम चीजों को लेकर क्या है जनता की राय? पालिका है यहाँ पर 25 वार्ड हैं और पिछला 2017 की बात की जाए तो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे नंदराम जाटव। अब जनता मेरे पीछे खड़ी है, जनता बेबाकी से सवालों का जवाब देगी कि 5 साल में कराए गए विकास कार्यों पर जनता कितने संतुष्ट है। हालांकि ये लोकल बॉडी का चुनाव होता है, जिसके खरंजे नाले की सरकार से योजना धरातल पर आती है उन लोगों को चुनाव होता है। मेरे साथ जनता है और जनता से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहम हो जाता है कि 5 साल पहले जनता को जो वादे किए गए थे उन वादों पर कितने खड़े उतरे चेयरमैन और सभासद। मेरे साथ बात कर लेते, क्या नाम है देवानंद गौतम? गौतम साहब ये बताइए किस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर हमारा 9 है, मुसलमान चौधरी मोहल्ला आता है, अंबेडकर गली आती है, गेट वाला मोहल्ला पीछा आता है, वो वन नंबर 9 में आते हैं। अच्छा चेयरमैन, दोबारा कितना विकास हुआ होगा और 5 साल में सभासद की बहुत भूमिका रहती है कि सभासद के टेक ओवर होता है वार्ड, तो कितना विकास हुआ, कितना संतुष्ट है 5 साल में विकास कार्य? देखिए सर, जैसे विकास कार्य की यदि बात की जाए तो जिस स्तर पे होना चाहिए था उस स्तर पे नहीं हुआ और लगभग ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका जो हमारी शाना की है 25 वार्ड है तो गली जो खरंजे हैं इंटरलॉकिंग है वो सब लगभग ठीक ही है, क्या नई बस्तियां बन रही है उनमें बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सियाना में हमें युवाओं के लिए कोई ऐसा मतलब बड़ा स्टेडियम बने तस्वीर जीके का नगर पालिका की तरफ से अपना खुद हो, जो जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स के लिए जा सकें और बच्चे अपना जो जॉब करते हैं फौज की आर्मी की नौकरियां हैं उनके लिए तैयारी कर सकें, जिन चीज़ों की जरूरत है नगर पालिका में मेंबरों को बोर्ड में प्रस्ताव करने के लिए, नगर पालिका चेयरमैन को जिस चीज की जरूरत है उस चीज पर फोकस ना करके बस वही 5 साल चली गई है, नाली खरंजे छोटे मोटे झगड़े छोटे मोटे लफड़े राजनीति आपस की वो चलती चली गई, 5 साल ऐसी कट गए, जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, जो जमीनी स्तर से मजबूती से चलना चाहिए था 5 साल में वो नहीं हो पाए। अच्छा, आपका कहना है कि मजबूती से विकास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, सिर्फ राजनीति का ही अखाड़ा बन गई नगर पालिका सियाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद शर्मा। शर्मा जी किस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 5 से है, जहाँ तक नगर पालिका के विकास की बात की है तो मेरी सदस्य तो रहे हैं, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसको हम जो सही तरीके से प्रस्तुत करें। क्या किस तरीके का विकास होना चाहिए था? विकास होना चाहिए जैसे मेरे भाई अभी देवानंद जी जो तो किसी ने कहा है
कि बच्चों के लिए उस पोस्ट के लिए या फौज की तैयारी के लिए बच्चे जो सड़कों पर दौड़ते हैं उनके लिए जो है स्टेडियम होना चाहिए, तो वो स्टेडियम हमारे यहाँ है ही नहीं। अभी हमारे यहाँ चौधरी महबूब अली है, उन्होंने अपना 20 बीघे का खेत दिखवा के जो स्टेडियम के लिए बच्चों को प्राइवेट तरीके से अपना खेत दे रखा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 5 साल में जो सभासद दोबारा काम कराए गए, जो आपने वादे किए होंगे उन लोगों के सामने, आपके सामने वादे किए होंगे, उन वादों पर कितने करे? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरा मकान 5 नंबर 7 में आता है, अगर 84 बारिश हो जाए तो लगभग 3 से 4 फुट पानी मेरे मकान के अंदर होता है। अभी सभासद साहब ने लोकल से बोला कि भाई पानी भर जाता है, कितनी बार बोला, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं हुई सुनवाई कभी किसी अधिकारी से? ऐसा ही नहीं है, नगर पालिका में कर्जे में डूबी हुई है, 3 से 4 करोड़ रुपए के कर्ज में आज की डेट में नगर पालिका चल रही है। क्या नाम आपका? अजय राम। तो कौन से बात है आप? साथ से क्या विकास हुआ साथ में? कोई धरातल पर कोई खरंजा नाली मरम्मत का नहीं पड़े। अच्छा, कभी अपने वार्ड के मेंबर से क्या क्या नहीं सुनता? ऐसे कैसे पड़े? पिछले 7-5 साल से पहले विकास होगा, उसके बाद नहीं। क्या नाम है आपका? मनी भाई। किस वार्ड से आते हैं आप? 18 वार्ड। कभी क्या विकास हुए? विकास क्या है, आज तक खंडिया पड़ा हमारा थोड़ा सा, ऐसे आज तक चेयरमैन हो गया मानी है कौन नहीं डॉक्टर पाते ऐसे पड़ा होंगे। तो नंदराम का अटब है यहाँ पे सर? अब नंदराम बढ़ गया, हमारे पप्पा भाई लेकर भाई नाम है मौला का और हमारी। कभी चेयरमैन साहब से मिले आप? मेरा मुलाकात जरूर कीजिए, उसका मकान में बना और मैं भाई। किन किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? अब चुनाव क्या होना, आपको आप कहेंगे तो चुनाव तो होगा ही, हमारे मतलब ये भाई काम होना चाहिए बराबर। अब चुनाव तो होगा, फिर चुनाव में साथ होना चाहिए, क्या सबको खोलिए बच्चे। क्या नाम आपका? निजामुद्दीन मेवासी। किस वार्ड से आते हैं आप? वार्ड नंबर 21। क्या विकास हुआ 21 में? कुछ भी ना हुआ भैया, हमारे तक कब्रिस्तानों के रस्ते और टूटे पड़े हैं, रास्ता और बंद कर रखा हमारे कब्रिस्तानों का, कोई सा भी चेयरमैन आया हमारा तो कोई समाधान हुआ ही नहीं। बिजली का तार भी हमारे बाग में को पड़े हैं, रस्ते में को कहीं को है ही नहीं, रास्ता नहीं है, सारे जूते पड़े हैं हमारे कब्रिस्तानों के, रास्ता पूरा जूते पड़े हैं, रास्ता पूरा कब्रिस्तानों का बंद है, कल को कोई डेट हो जाती है फिर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। कोई सा भी चेयरमैन बना हमारा तो समाधान हुआ ही नहीं है कोई सा भी। आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 21। क्या है सभासद है क्या? और मैम वार्ड नंबर 21 समाजवादी पार्टी का मेंबर। अच्छा अच्छा, क्या विकास हुआ आपके वार्ड में? सर कुछ नहीं हुआ सर, आप देख सकते हैं कुछ भी आप फोटो हुए हैं सब चीजें बेकार हैं, और जैसे जैसे बताया गया अभी तक कोई सोल्यूशन कहीं नहीं हो पाया, कहीं भी आप जाने में कहीं भी लेबर लगा पाने का कुछ विकास करा ही नहीं है। तो बिल्कुल कृषि का आप देख सकते हैं कि 5 साल में चेयरमैन दोबारा कराए गए विकास से संतुष्ट नहीं है जनता, और बिल्कुल बेबाकी से न्यूज वन इंडिया के कैमरा पर उन्होंने सवालों का जवाब दिया, और लगातार उन्होंने 5 साल में जो विकास कार्य जनता के नगर पालिका दोबारा कराए गए हैं उनका अपना जवाब दिया। और भी जानकारी ले लेते, क्या नाम है? मेरा नाम निखिल बोल रहा हूँ, मैं चाइना से हूँ, बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि अब हमारे चाइना में नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, तो मैं नगर पालिका के लिए दो तीन मुद्दे रखना चाहूंगा जो हमारे थाना में नहीं है। सबसे पहले शिक्षा का स्तर हमारे थाना में बिल्कुल लो है, ना कोई डिग्री कॉलेज है और ना कोई बेहतरीन अस्पताल है, ना कोई बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सिस्टम है। तो अब मैं नगर पालिका से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम युवाओं के लिए एक अच्छा सा डिग्री कॉलेज को खोला जाए, जो नगर पालिका आगे बोर्ड प्रस्ताव रखे और विधायक और एमपी से बात करें कि हमारे शाना में डिग्री कॉलेज हो, क्योंकि हमारे शाना की लड़कियों को चुनाव से रंजनपुर ये लोकल बॉडी का चुनाव होता है, आप एमएलए एमपी पर लेके गेते हो, मैं कल चेयरमैन तुम्हारा चिन्हित होती है जमीन, वो एमपी तक एमएलए एमपी का चुनाव नहीं है, ये लोकल बॉडी का चुनाव है, खरंजे नाले शिक्षा के लेकर एमएलए एमपी से ये डिग्री और सरकार चलाई जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो नगर पालिका दोबारा चेयरमैन सभासद दोबारा विकास कार्य होते हैं वो लोग नाली खरंजे पियाजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उन मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर नगर पालिका जिस वार्ड से आप आते हैं उन उन मुद्दों पर कितने खड़े उतरे हैं आपके वार्ड मेंबर? सफाई की बात की जाए तो हमारे वार्ड में सफाई का जो स्तर है बहुत ही लो है, जो सफाई है जो नालियां हैं बहुत छोटी छोटी नालियां हैं, वो पानी उनमें इतना भर जाता है बरसात के टाइम पर कि उनका जो गंदगी नाली की होती है वो सब सड़कों पर आ जाती है,
सब हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा यही आज के टाइम पे कि नाके की सफाई ठीक से नहीं हो पाती। यानी कि कहने का मतलब है कि नगर पालिका द्वारा कोई भी विकास नहीं, जिस विकास कार्य होने चाहिए वो विकास कार्य जो भी सबसे की बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करते कहना ये चाहते थे कि नगर पालिका का चेयरमैन जो शिक्षित हो, समझदार हो, तो जब वो हमारा चेयरमैन शिक्षित नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा, तो फिर विधानसभा में या लोकसभा में कैसे बात हो सकेगी। ये इनका साफ साफ कहना है कि किसी का की शिक्षित चेयरमैन होना चाहिए 5 साल में, और 5 साल में अपनी बेबाकी से अपना सवाल और जवाब सरकार तक पहुंचा सके और अपना विकास कार्यों को ला सके। हालांकि 5 साल का विकास कार्य जनता ने गिनाया है स्याना नगर पालिका का, और देख सकते हैं कि लगातार बेबाकी से सवालों के जवाब दे रहे थे, और सवाल देने के बाद में उन्होंने खुद जनता ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए निकाल चुनाव में। एक और मैं जानकारी ले लेता हूँ, किस बात से आते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 2 से आता हूँ, और नगर पालिका द्वारा एक स्कूल संचालित किया गया है, लेकिन युवाओं के लिए जो भाई ने अभी बोला था कि मतलब जो है स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो नगर पालिका, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका द्वारा एक स्कूल संचालित है, लेकिन नगर पालिका द्वारा अगर वहां की हालत देखी जाए तो बच्चों के लिए डेस्क नहीं है, फर्श पे पढ़ते हैं बच्चे। हालांकि अभी जो है नगर पालिका जो है उन कर्मचारियों को, जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नगर पालिका देती है, लेकिन भाई ने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था फ्लॉप हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां की जनता कुछ खास अच्छी और कुछ खास खुश अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। हालांकि अभी अब 2022 में आप किसे चुनेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि अभी निकाय के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल निकाय किरण में मेरे साथ आज इतना ही, नमस्कार।